जैसे कैसे हो रहे हो? बिल्कुल यू स्टार्ट प्लीज, यू स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मिसेस राणा प्लीज यू स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनी वाले भैया, सर आपका हो गया सर। सर सर दिस इज सो डिफिकल्ट टू स्पीक इन बिटवीन लाइक दिस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अध्यक्ष महोदय, डिमांड फॉर रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उसके लिए यहाँ पर सभी अपने अपने क्षेत्र के हाईवे के परेशानी और इसके लिए लेके आ रहे हैं। कुछ वक्ता हमारे कॉलीग अभी पीछे कुछ बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश से बीएसपी को बिलोंग करते हैं। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, हमारे मंत्री महोदय यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर कोई भी इशू रिलेटेड रोड हाईवेज नेशनल को लेके आप जाइए, मंत्री महोदय गडकरी साहब, हमारे वीके सिंह सर, हमारे मंत्री, ये आपको पॉजिटिव रिस्पांस देके आपकी बात सुनते हैं। नेशनल में है तो किस तरीके से इसे करना है, स्टेट से नेशनल करना है तो किस योजना से इसको काम करके लाना है। ये एक ही डिपार्टमेंट है जहां पे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से काम किया जाता है। और पिछले 7 वर्षों में जो अमरावती जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करती हूँ महाराष्ट्र में, आज भी हम महाराष्ट्र में बहुत सारी रोडों की दिक्कत हमें आती है, पर मुझे लगता है ये डिपार्टमेंट पिछले 7 वर्षों में जो तरीके से अमरावती के इंटरनल एक्सटर्नल बाहर के जो रोड्स हैं ये डिपार्टमेंट ने किए। आज अमरावती कोई भी बड़ा पॉलिटिकल आई या कोई भी बड़ा व्यक्ति हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता है तो वो देख के उसका दिल खुश हो जाता है कि ये रोड सेंटर से बने हुए हैं और इस तरीके से इसकी रोड की तैयारी ये डिपार्टमेंट ने की है। सर मैं आपसे विनंती करना चाहूंगी, हमारा नेर, यवतमाल, बन्नेरा, अमरावती, अचलपुर, धारनी, ये जो रोड मेजर स्टेट हाईवे है 14 है, पर इसकी पिछले 3 वर्षों से वहां के नागरिकों की, डिपार्टमेंट की और हमारे सभी लोक प्रतिनिधि, वहां के एमपीज हो, हमारे एमएलएज हो, हमारे क्षेत्र के एमएलएज हो, कंटिन्यू इसका फॉलोअप ले रहे हैं कि इसे नेशनल हाईवे घोषित कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है। इस रोड पे सुबह से लेकर शाम तक कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि इसे 4 लाइन करना बहुत आवश्यक है और मेरे ट्राइबल क्षेत्र को भी ये जोड़ने का काम करता है, अमरावती के शहर को जोड़ने का काम करता है। और अचलपुर जो क्षेत्र आता है वहां पर अगर आपने ध्यान देखे, इंफॉर्मेशन ली, तो पूरे रोड के रोड पूरा खराब है। तो मैं आपसे विनंती करूंगी कि इसे नेशनल हाईवे घोषित करके इसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र के और हमारे क्षेत्र को लग के जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को भी इसका फायदा पहुंचे। सर पिछली बार जब नेशनल हाईवे के लोकार्पण के लिए हमारे गडकरी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए थे तो उन्होंने उन्हें हमें आग्रह किया था, उनको, हमारे क्षेत्र के लोगों ने और एज ए लोक प्रतिनिधि हमने, कि नागपुर अमरावती ऐसे एक मेट्रो ऑन रोड चलाई जाए जिससे हमारी जो बस की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें ज्यादा लोग ना ट्रैवल करते हुए इजी हो और 1.5-2 घंटे में, 1 से 1.25 घंटे में वो अमरावती और अमरावती से चांदूर बाजार, चांदूर बाजार अमरावती हो। सर ने स्टेट से अनाउंस किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी मंत्री महोदय जी कि उसका भी काम जल्द से जल्द, उसका प्रपोजल महाराष्ट्र से बुला के उसका भी काम इम्प्लीमेंटेशन किया तो वहां के हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को, तालुकों को जोड़ने का ये काम है। मेरे मेलघाट में घटांग जो रोड है, जो एरिया पड़ता है भांडुम, रास्ता मध्य प्रदेश को लग के है और मध्य प्रदेश में सर सबसे बड़ी बात, अभी 4 दिन हम हमारे क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में थे और 4 दिन वहां पे थी, जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं हम एमपी से महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र से एमपी को, तो ये कोई अननोन व्यक्ति भी पहचान जाएगा कि अभी हम महाराष्ट्र में और अभी हम मध्य प्रदेश में, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के रोड में खड्डे हैं कि खड्डों में रोड है यही पता नहीं लगता हमारे वो बॉर्डर पे, और मध्य प्रदेश में जैसे आएंगे तो वो फ्लाइट जैसी स्मूथली गाड़ी चढ़ती है गांव के अंदर भी और गांव के बाहर भी। तो मैं आपसे विनंती करूंगी सर, कि वो मेरा ट्राइबल क्षेत्र है और ट्राइबल क्षेत्र में जो रोड्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है, अगर एक आदि इमरजेंसी कोई आ जाती है गांव से, तो गांव से प्लेन रोड तक जाने के लिए, एरिया जाने के लिए, मुझे लगता है बहुत बार जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनकी मृत्यु वो दौरान ही हो जाती क्योंकि इतने रोड खराब हैं कि उसकी मरम्मत भी कर नहीं पाती है। तो मैं आपसे विनंती करूंगी ऐसे रोडों को ध्यान देके उस पर काम हमें करना बहुत जरूरी है। और बन्नेरा रोड का फ्लाईओवर है सर, हमारे विधानसभा क्षेत्र आता है अमरावती में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, वहां के फ्लाईओवर के इस बाजू भी 4 लाइन बना है और उस बाजू भी 4 लाइन बना है, पर फ्लाईओवर 2 वेज है, 2 लाइन है,
और जिसके लिए हमने पिछले 3 सालों से कंटिन्यू उसका फॉलोअप ले रहे हैं अपने डिपार्टमेंट से, और उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने भी जो महाराष्ट्र डिपार्टमेंट 75 करोड़ का प्रपोजल हमने यहाँ पर सेंड किया है। अगर उसका काम करेंगे 4-way से 2-way में आने के लिए एक्सीडेंट के जो क्लैशेस होने के चांसेस इतने ज्यादा बड़े हुए हैं, और डेवलपमेंट हम कर रहे हैं तो बीच का पार्ट अगर डेवलपमेंट से बाजू रखते हैं तो मुझे लगता है वो प्रॉब्लमेटिक। सर इट इज वेरी जेन्युइन डिमांड्स व्हाट आई एम आस्किंग मिनिस्टर सर, जस्ट लास्ट 2-3 मिनट्स मोर। तो उसका भी काम अगर आप कराएंगे, अमरावती में एक ओवरब्रिज का काम शुरू है सर, चित्रा चौक से हमारी लालखेड़ी वो सब एरिया का भाग है, उसका काम इतना धीमी गति से शुरू है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इतनी ट्रैफिक वाला एरिया है, पूरा बाजार भरता है, बहुत पुराना बाजार है। अगर उसका काम थोड़ा स्पीडी कर दिया जाए तो वहां के लोगों को इस काम का लाभ लेने में बहुत ज्यादा सुविधाएं होंगी। सर एक प्रपोजल हमने दिया था दस्तूर नगर लालखेड़ी और भानखेड़ा और चांदूर रेलवे, जो नागपुर रोड को नागपुर को शहर को जोड़ने का काम करता है, उसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा हमने ध्यान दिया सर तो हम बहुत सारी चीजें कर पाएंगे, और ट्राइबल एरिया पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है सर। और मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को भी बोलते हुए सुना। यस सर, सर आई अग्री टू ऑल योर दिस थिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द चेयर सर, बस आपको मैं सर रिक्वेस्ट करूंगी, आपको अमरावती के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से पता है सर, तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे, अमरावती यवतमाल नेर रोड हो गया है, चांदूर बाजार अमरावती का जो रोड है, भानखेड़ा टू चांदूर रेलवे रोड है, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो डिफरेंस है उसे खत्म करने का जो एक ये है वो हमने करना चाहिए, इतनी मैं मांग आपके माध्यम से चेयरपर्सन मंत्री महोदय जी को करती हूँ। और ये सब डिटेल्स में सर आपके पास फॉलोअप करने के लिए भी आऊंगी और ये सब चीजें जल्द से जल्द पूरी होंगी, इतनी रिक्वेस्ट भी आपसे करती हूँ। थैंक यू।